फजल उस शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यार, आपको जैसे पता था मैंने हुदहुद का बच्चा रेस्क्यू किया था यार, पर सबसे अफसोसनाक बात क्या, वो नहीं बच सका। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। पहले ही आपको मैंने बताया था कि यार शायद ही वो बच सके। तो बहरहाल अब उसको कहते हैं क्लोज चैप्टर को। तो बाकी यार आपको याद होगा 10K सब्सक्राइबर जितनी जल्दी करेंगे, 10K चैलेंज कंप्लीट करें, मैं कहता हूँ इतना हो जाए तो कितना मज़ा आएगा। तो कोई इशू कोई नहीं, अगर नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं। फिर भी ईद के बाद एक चैलेंज मैंने स्टार्ट करना है, वो आपको ज़रूर बताऊँगा। आपने गेस करना है कमेंट में कौन सा चैलेंज है जो इतना मुश्किल है, जो ईद के बाद मैं स्टार्ट करूँगा। रमज़ान में नहीं स्टार्ट कर रहा मैं। तो अभी जा रहा हूँ मैं मंडी बकरा देखने के लिए, अपनी कुर्बानी के लिए। हमारे यहाँ गुड़ीवाला से आगे माछी वाले, वहाँ पे लगनी है मंडी। ठीक है, बकरा मंडी लगती है हर जुमे को। तो अभी देखते हैं यार प्राइस वगैरह का आइडिया हो क्या है, प्राइस रेंज चल रही है। ठीक है, तो जाके मिलता हूँ मैं आपको। अभी मुर्गी वगैरह का दाना डाल दिया, मैं कहा टोपी ले लें क्योंकि बाल जो हैं वो ख़राब हो जाने हैं। मोटरसाइकिल में मिट्टी होनी है इतनी ज़्यादा, ऊपर से गर्मी भी है, रोज़ा भी है। तो चलते हैं, फिर आपको भी दिखाता हूँ और खुद भी देख के आता हूँ। अगर अच्छा मिला बकरा तो इंशाल्लाह डील कर लेंगे, एक बकरा लेके ला खड़ा कर लेंगे, मज़े से खिदमत करेंगे। दो महीने फिर ईद आ रही है, बकरा ईद। तो मिलता हूँ फिर आपको भी मैं। अच्छा, तो फैमिली घर से तो मैं निकल पड़ा हूँ, रस्ते पे रोड पे देख सकते हैं जो मैं दुकानें खुल रही हैं, कुछ बंद है, कुछ नहीं खुलना है, कुछ नहीं खुलना आज। और जो बाज़ार है वो तो खुलेगा दूसरा कपड़ों वाला और जूती वाला, क्योंकि आगे ईद आ रही है, हफ्ता रह गया ईद में माशाल्लाह से। या जैसे जुमा मेरे ख्याल से मिले तो है, अगला जुमा भी हमें रमज़ान में मिल जाएगा और वो आखिरी जुमा होगा रमज़ान का, और रमज़ान के महीने का, रमज़ान के महीने का भी आखिरी दिन होगा। तो फैमिली मज़ा ये थी कि यार आपको बताना था, वो आलू वाले जो हमने ओवर बॉल बनाए थे कितने मज़ेदार बनी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी। और एक रेसिपी मैंने आपसे शेयर की थी कि यार मैं चावलों वाली भी बताऊँगा, वो भी आपको जल्दी बताऊँगा इंशाल्लाह आज। तो नहीं फिर कल के ब्लॉग में या परसों के ब्लॉग में आपको मैं शेयर कर दूँगा। और जो बॉल बनाए थे हमने छोटी क्रंची बॉल, वो तो भी गए मैंने बड़े शौक से ख़त्म कर दिए हैं। तो अभी मैं आपको जाके मिलता हूँ, आपको आए हैं उनके साथ मैंने जाना है। तो देखें ये जगह, देखें इन्होंने बकरियाँ वगैरह रखी हैं, भैंसे वगैरह रखी हैं, बकरियाँ तो चढ़ने के लिए यहाँ पे कहीं फिर भी जानी है। तो बकरियाँ जो आपको पता छोड़ देना, उनको चलती फिरती रहती है खुद ही। ज़्यादा आपको दिखाता हूँ मैं भैंसों भैंसे दो बछड़े हैं छोटे छोटे, कितने प्यारे। वो एक बकरी का बच्चा माशाल्लाह से बैठा हुआ है। ये आप समझ लेंगे गाँव का इलाका, बल्कि नहीं गाँव का कोई नहीं है, ये शहर ही है। शहर थोड़ा सा साइड पर है जिस जगह पर फैमिली कोई रश वगैरह नहीं होता, मैं एक प्लाट नहीं सारे कौन है जो गवर्नमेंट के लिए, वो सा स्टेशन है। तो माशाल्लाह से कितना प्यारा व्यू है। जाते हैं फिर उधर मंडी की तरफ, तो आपको मैं दिखाऊंगा मंडी जाते हुए क्योंकि रास्ते में 30-35 मिनट का सफ़र है। तो चल के मिलता हूँ आपसे जाके। यार अभी मंडी में आ चुके हैं, तो आपको दिखाते हैं जहाँ वीडियो से मैं ज़रा परहेज करना है, खरीदारी करते हुए भी देखेंगे कि क्या है। अभी जो यूट्यूबर तो हैं कोई नहीं, इतने पैसे हैं नहीं अपने पास। ठीक है, तो वीडियो में आपको इसलिए दिखाता हूँ जानवर लेके, फिर आपको बताता हूँ कि भाई क्या रेट है मंडी में। रश तो काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम, जरा मंडी भरी भरी है वो एंड तक, बहुत सारी आवाम आएगी। तो बाकी जानवर बहुत ही ज़्यादा फिर रहे हैं इसके अंदर, देखिए पेडू शेडू और भी काफ़ी सारे हैं। ये देखे बकरे बकरियाँ बच्चे बट्ठे बठियाँ, तो माशाल्लाह से काफ़ी सारे जानवर फिर रहे हैं। तो आपको ले कर फिर बताता हूँ, मिलता हूँ आपसे। ये देख सकते हैं, हाँ ये ब्रीडर थोड़ा सा बड़ा है, उसका पता कितना मांग रहे हैं, 45,000। वीडियो आपने देखा ही होना है पिछले व्लॉगों में, तो कोने वोना है, तो माशाल्लाह खूबसूरत है। तो बाकी देखते हैं यार कोई अच्छा और मिलता है, तो ढूंढ रहे हैं भी। और माशाल्लाह से बकरे इधर भी फिर रहे हैं बैठे हैं, वो तो भी अपनी रेंज से बहुत ज़्यादा, 12,000, 60,000, 70,000, 70,000, 80,000, उससे कम तो आए नहीं रहे ना, वो 60,000 से कम ही आ रहे हैं। और ये बाकी ये है 45-40 की रेंज में, ये मैं इसको 38 लगाया है, इसका 35, तो अगर मानता है तो बहुत अच्छा है रेट है इसका। ढूंढते हैं, ढूंढ के बताता हूँ आपको कोई अच्छा मिलता है। मुझे नहीं लगता जो मंडी के खिलाफ है इस टाइम को मिलेगा हमें। तो बाकी अल्लाह ख्याल करें, अल्लाह का नाम लेके आए हैं, अल्लाह के नाम लेने के लिए आए हैं, तो उम्मीद है मिल जाएगा। ये आवाज़ देखने के लिए नंबर 1
फैमिली माशाल्लाह माशाल्लाह से देखे हमारे कुर्बानी का बकरा कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, पाक नजरबाद से बचाए इसको, वो भी माशाल्लाह से इसकी खिदमत करेंगे जनाब साहब की। और आपको पता है पहले कितनी देर बाद, 2 साल बाद दोबारा से बकरी आई हमारे घर में रख रहा हूँ मैं दोबारा, 2 महीने माशाल्लाह से प्रवास रखेंगे, इसकी अच्छी तरह खिदमत करेंगे, पालेंगे, ठीक है, टैटम टैट कर देंगे अपने तोते में, तो सारे देख कि ना हैरान हो रहे, पता नहीं क्या चीज़ है, तो वो देखे वो भी देखा वो बोली जा रहा है, देखे चौड़ा होकर खड़ा हुआ है, रात को नीचे सुबह को ऊपर, नहीं सुबह को नीचे दोपहर टाइम और रात टाइम इसको ऊपर छोड़ दिया करेंगे माशाल्लाह से, फिरेगा माशाल्लाह से। ये हमें मिला 38,000 का, बहुत ही अच्छा, अब्बा जी को भी पसंद आया, अम्मा जी को भी पसंद आया, तो यार बड़ी गर्मी बहुत थी, तो बाकी माशाल्लाह से अभी इसको छोड़ते हैं यहाँ पे, रात को दाना पानी डालेंगे, पट्टे डाल देते थोड़े होते, देखे ना ये मिट्टी हुई भी सारी, इस तरह ही बाल भी सारे से अभी फ्रेश होता हूँ, मुँह हाथ धोता हूँ, बाल छल धोता हूँ, तो फिर जुमा वगैरह पढ़ते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ डाल लो चलो। हाँ देखे फैमिली चौड़ा होकर देख रहा है उसे, पता नहीं क्या है, पहली बार देखा है इससे तो फैमिली वाकई पहली बार देखा है, ओके हाँ ये वाले पत्ते उतार ला, हाँ खींच ले खींच ले, हाँ ये बड़ा वाला ना उतारी, हाँ वो उतार, वो दरख्त के पास लगे वो, हाँ ये सारे तो ये वाला, चलो ये ना माशाल्लाह से इतने से डाल दो अभी, बाकी बरसीन वगैरह लेके आता हूँ मैं, वो देखे हाँ फेंक दो माशाल्लाह माशाल्लाह खाने लग गया, मुझे फटी की नहीं फटी में उल्टा कर रहा है, पैसा पता नहीं चला फटी का तोड़ दे रही है इसे, तो दिखा रहा है इसको छोड़ते हैं ऐसे, माशाल्लाह ये देखे ओ वैरी बकरे बैठा हुआ है, ओ आ जा बाबू हो गया, हाँ आ जा गंदा बच्चा चल बैठ जा फैमिली माशाल्लाह, बकरे से नहीं डरा मतलब डर हो गए तो बॉल से भी डर जाता है, बैरी आ जा बैरी आ जा आ जा चल चल आ जा इसको उठाते हैं इधर चल भी आए इधर बैठता है गंजा बच्चा इसको छोड़ते हैं अंदर, हाँ जी ओ चल बैठ जा आराम से इधर, हाँ ठीक है आ जा मैं बुलाना इसे, मैं बुलाओ इसे बाबू छोना बैरी मेरा छोना बच्चा छोना बाबू आज आज बैरी ना अभी इसको जगह अच्छी मिल गई है बैठने की, साथी मिल गया बकरा मेरा साथी, पानी मार इसे ना मार यार, मैं ना रोजा उधर से बकरे को लेके आया था तो यार बहुत थक गया था गर्मी की वजह से, अभी देखिए आंखें अभी भी लाल है मेरी, तो मैं आके ना सो गया था, तभी माशाल्लाह अफ्तारी का टाइम हो गया, 3 मिनट रह गए माशाल्लाह माशाल्लाह, गोशी क्या था आज मौज करा दी गोशी ने तो आज, अच्छा था हमें माशाल्लाह से अपना ये खरबूजे खरबूजे पड़े हुए हैं, ये गोशी कचोरी और दो समोसे ले गए आज मजा ही करा दिया इसने, आया है वो दही बल्ले बनाए हैं और सबसे मज़ेदार चीज़ है, आज मेरा ना बहुत दिल कर रहा था ये पीने का, उसकी वजह ये कि मैं मंडी गया था ना तो मंडी में 3-4 रेलियाँ लगी हुई थी, मेरा रोज़ा था, और ये देखें दूध बोतल बनानी है अपनी आइसक्रीम सोडा, ये देखें ये मज़ेदार, नहीं तो ये हम रमज़ान के शुरू में बनाते थे, पर इस रमज़ान के शुरू में हमने मेरे ख्याल से स्ट्रॉबेरी का जूस रखा था, फिर उसके बाद पानी, और ये एंड में आखिरी अशे में 8-10 दिन पहले अब लेके आए हैं ये माशाल्लाह से, नहीं तो हाँ जी फिर हाँ जी फिर 6-7 रोज़े रह गए ना अब, तो अभी तो लेके आए हैं,
तो अभी खत्म हो जाने, तो अभी अफसाई का टाइम होने वाला है, मिलते हैं। वो चीज एम बता सी, आलू वाले पकौड़े कितने मजेदार बने थे। आलू वाले गोल, हाँ गोल मजेदार से बने थे ना, वो गोशी ने बनवाए थे। तो आपको एक रेसिपी चावलों वाली भी बताऊंगा, चावल के जो रेसिपी है जल्दी ही इंशाल्लाह। तो फिर अभी इस ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड। मुझे तो आपको आज का लोग अच्छा लगा, लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट।